मैं भी मैथ्स एडिशनल लिया था 11th में, यूनिट टेस्ट में फेल, भी सेम टू सेम यूनिट टेस्ट में फेल, मैथ्स छोड़ दी। उसके बाद स्टार्ट हुआ इंटीग्रेशन वगैरह, उसके बाद तो भाई मेरा जो इंटरेस्ट छूटा है मैथ्स से तो मैं छोड़ के भाग गया। मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यार वो आई नहीं समझ में, लॉग की पावर 2, लॉग की पावर x, 1 बाय लॉग इक्वल्स टू इन्फिनिटी, आयोटा पायोटा, आयोटा तक आ गया था मेरे को समझ में कि आयोटा इज अंडर रूट ऑफ -1। एक जर्नी की एंड का एग्जाम दिया था मैंने एंड मैथ्स लिया था मैंने, और मैथ्स छोड़ना पड़ा था मुझे, और क्यों छोड़ा था, क्या कुछ रीजंस थे, ये सब जानेंगे हम नेक्स्ट ब्रेक में। तब तक के लिए बने रहिए देवुडा के साथ एंड स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट स्लॉट विदाउट एनी फर्दर रेडियो, लेट्स कंटिन्यू। A few inches later, स्टोरी बताओ चलो। A few moments later, तो देखो जब मैं 10th में था ना, तो मेरे मैथ्स के जो टीचर थे वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद थे, उनको भी बिल्कुल नहीं पसंद था, इसलिए कभी मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट हुआ ही नहीं, इसलिए मेरे मैथ्स का पेपर भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था। तो उसके बाद मैंने सोच लिया था कि भाई अभी तो मुझे 10th के बाद मैथ्स को कभी उठाना ही नहीं है, ठीक है। मैथ्स पर मेरा बिल्कुल 36 का आंकड़ा हो गया था, मुझे मैथ्स कभी समझ में ही नहीं आया उसके बाद। सो 10th में मेरे कुछ 74-75% मार्क्स आए थे मैथ्स में, तो फिर मैंने सोचा कि मैथ्स नहीं लेंगे। उसके बाद मेरे घर के बोलते कि मैथ्स क्यों नहीं लेगा, अगर मैथ्स नहीं लेगा तो एनडीए में कैसे जाएगा। मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं एनडीए में जाऊं और एनडीए का एग्जाम करूं और मैं मैथ्स लूं, मेरे घर वाले नहीं चाहते थे कि मैं मेडिकल फील्ड लूं, क्योंकि मेरी बहन मेडिकल फील्ड में थी, तो घर वाले चाहते थे कि भाई ये दूसरी फील्ड में ले, कुछ अलग करे। ले लिए मैंने मेडिकल, फिर घर वाले बोले कि नहीं ऐसे नहीं होगा, तुझे मैथ्स भी लेनी पड़ेगी। तो मेरे घर वालों ने मेरे को एक्स्ट्रा में मैथ्स दिला दी, तो भी एक्स्ट्रा मेरे को मैथ्स दिला दी। मैं आकाश में जाता था, आकाश में मेरा नीट वाला बैच था, उसमें मुझे मैथ्स नहीं पढ़ाते थे। स्कूल में मैं नॉन अटेंडिंग था, मैं स्कूल में नहीं गया कभी, मैथ्स नहीं पढ़ा मैंने। तो फिर पहला टर्म चला गया, मैथ्स का पेपर दे के आया, कुछ नहीं आया मेरे को, मैं पता नहीं क्या करके आया। मेरा वो 80 नंबर का टेस्ट होगा, 80 में से मेरे 10-20 नंबर भी नहीं आए होंगे मुश्किल से। फिर उसके बाद घर वालों ने कहा कि ट्यूशन लगवा ले तो मैथ्स का, ये 11th की बात है। फिर 11th में मैंने मैथ्स का ट्यूशन लगवाया, फिर वो ट्यूशन था सुबह सुबह 5 बजे, ठीक है। तो फिर सुबह 5 बजे मैं उठता, मैं साइकिल पे ट्यूशन पे जाता, फिर वहाँ पे वो मुझे पढ़ाता, फिर मैं पढ़ता। मतलब शुरू में मेरे को 1 महीने इंटरेस्ट आया कि हाँ भाई ठीक है, मैट्रिक्स वगैरह है, ये इजी इजी चीज है, ब्रैकेट के अंदर नंबर लिखने होते हैं, तो मैट्रिक्स वगैरह तो आ गया मेरे को समझ में। उसके बाद स्टार्ट हुआ इंटीग्रेशन वगैरह, उसके बाद तो भाई मेरा जो इंटरेस्ट छूटा है मैथ्स से तो मैं छोड़ के भाग गया। मतलब मैं सुबह जाता था अपना साइकिल पे और चला जाता था मैं ग्राउंड में, फिर वहाँ पे क्रिकेट वगैरह खेल के घर पे वापस आ गया था। तो फिर मैंने नीट का एग्जाम, मतलब एनडीए का एग्जाम 11th में भी होता है और 12th में भी होता है, तो शायद मैं एनडीए का एग्जाम दे के आया था। तो एनडीए का एग्जाम दे के आया मैं, और एनडीए का एग्जाम मैथ्स तो मेरे को 0 आती थी, ठीक है। तो उसके अंदर जीके भी होती थी, इंग्लिश भी होती थी, जीके इंग्लिश तो मैं कराया था, और मैथ्स में क्वेश्चन होते हैं ना कि उसमें 0 ऑप्शन होता है, तो ज्यादातर मैंने जब 10th वगैरह में आकाश में था तो भी 10th में वो मैथ के पेपर भी होते थे, तो फिर 0-0 उनका आंसर होता था, तो मैं सबका 0-0 मार्क कराया जो भी 0 ऑप्शन था, तो मैं उनको मार्क करके आ गया। उसके बाद मैंने आके रिजल्ट चेक किया, मेरे मैथ्स में पता नहीं कितने क्वेश्चन होते, लेकिन मेरे कुछ 32-32 नंबर आए थे मेरे मैथ्स में। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैथ समझ में आ नहीं रही, एनडी का पेपर क्लियर नहीं हुआ, घर वाले को बताऊंगा तो फिर घर वाले मारेंगे मेरे को कि क्या कर रहे, तुझे मैथ्स का ट्यूशन भी लगवाया ये वो। तो 2 महीने मैथ्स का ट्यूशन पढ़ के मैंने वो मैथ्स का ट्यूशन छोड़ दिया। फिर मैं बोला कि सर मैंने आपको 6 महीने की फीस दे दी, आप मेरे सारे पैसे कैसे ले सकते हो। तो फिर उसने मेरे को 2-3 महीने तक टाला पाला, फिर उसके बाद लास्ट में उसने मेरे आधे पैसे वापस कर दिए थे। तो इसके साथ ही मेरा मैथ्स का, एनडीए का, सब कुछ का कार्यक्रम समाप्त हो गया था। उसके बाद से मैंने कभी मैथ्स को नहीं उठाया यार, कभी मैथ्स पल्ले ही नहीं पड़ी मेरे, बस बायो ठीक है, अपनी मेडिकल मेरे पास भी मैथ्स है एडिशनल में। यार तुम लोग, मुझे नहीं पता यार कैसे कर लेते हो एडिशनल वाले मैथ्स वाले, मेरे भी दोस्त थे उनके भी पास मैथ्स में एडिशनल मैथ था, फिर उनके बायो में नंबर नहीं आए। सारे हरियाणा एनडीए के लिए क्रेजी क्यों होते हैं, मेरा मैथ्स में 94 आए थे, नहीं मेरी नहीं है कभी। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यार वो आई नहीं समझ में, लॉग की पावर 2, लॉग की पावर x, 1 बाय लॉग इक्वल्स टू इन्फिनिटी, आयोटा पायोटा, आयोटा तक आ गया था मेरे को समझ में कि आयोटा इज अंडर रूट ऑफ -1, उसके बाद नहीं समझ में आया मुझे।
थोड़ा बहुत तो आता ही है, हवा टाइट हो गई इंटीग्रेशन में तो भाई बहुत ज्यादा। मेरा भी यही हाल है मैथ्स में। मरना चाहिए था, मारना चाहिए था वो भी सुनते। ओके, मेरा भी ग्रुप का पेपर दिया था, मैथ्स नहीं पसंद बिल्कुल भी नहीं, मेरा उल्टा है बायो पढ़ी नहीं जाती। ओके, आई हैव पीसीएम बी बी, भाई इतना सब कुछ कैसे। मेरा एडिशनल ही था भाई, मेरा था, मैंने छोड़ दिया। अच्छा किया मैंने छोड़ दिया, नहीं तो मैं 12th में फेल हो जाता। मुझे भी मैथ्स बिल्कुल नहीं पसंद, पर ह्यूमैनिटीज, और मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। ओ ऑल द बेस्ट। मैं भी मैथ्स एडिशनल, मैं भी हरियाणा से हूँ भाई। ये ग्रुप आर्मी का पेपर दिया था, नहीं भाई मैंने ग्रुप आर्मी वगैरह के कोई पेपर नहीं दिए, मैंने सिर्फ एक एनडी का पेपर दिया था, उसमें मैं बुरी तरह से फेल हो गया था। उसके बाद फिर मैंने मुड़ के नहीं देखा।